लेकिन मुझे वो लाल बत्ती, नीली बत्ती और कलेक्टर साहब का सलामी वो सब नहीं मिला है। तो जो हार्ट बर्न होता है ना, छोटी पार्टियों में कमांड सिस्टम तो होता नहीं है जी। इसलिए आप पाएंगे कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी कि भाई हमारे नेता ने हमें तो नहीं बनाया और बगल वाले को बना दिया। तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में होंगी। ठीक है, लेकिन मनोज तिवारी हमें तस्वीरों में अभी दिख रहे थे, स्मृति ईरानी जिनका जिक्र एनके सर कर रहे थे वो भी पहुंची हैं राष्ट्रपति भवन में साक्षी बनने के लिए, पवन कल्याण जिन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई सांसद मंत्री तो नहीं बनेगा लेकिन वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक है रोहित। नेचुरली, और ये स्मृति ईरानी को जो भी आपने डिफाइन किया कि स्मृति ईरानी पहुंचे थे, वो बहुत दिलचस्प है कि वो उस मंच पर नहीं दिख रही थी जिस मंच पे वो चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्हें शपथ लेना है। यानी स्मृति ईरानी का नाम जो हम कह रहे थे कि आउट ऑफ पोर्टफोलियो होगा, मंत्रिमंडल से बाहर होगा, वो लगभग यहां पे स्पष्ट दिख रहा है। और अब इन तस्वीरों में मुझे लगता है कि लगभग, ये देखिए कतार आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक मेहमान बैठे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद निर्मला सीतारमण, पीछे के बैजयंत पांडा। बैजयंत पांडा जो बीजेडी के दिग्गज नेता रहे उड़ीसा से, सांसद रहे बीजेडी से, कई बार बीजेडी छोड़ी उन्होंने आंतरिक कलह के चलते, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, संगठन की जिम्मेदारी संभाली, और अब देखिए उड़ीसा में जहां दशकों तक बैजयंत पांडा ने काम किया है, किस तरीके से बीजेपी ने कमाल कर दिया है। 21 लोकसभा सीटों में 20 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती है। और अब पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से सांसद। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प था लेकिन एक बार फिर जीत कर पहुंचे 2014-2019 और अब 2024 में भी पहुंचे हैं। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर ओम बिरला संसद में नजर आएंगे, लोकसभा में नजर आएंगे। और ये जो क्रम है, यही क्रम अब प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगा। अब लोकसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, कुछ ही मिनटों के अंदर रोहित ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगे और उसके बाद फिर राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल चलेगा। और राष्ट्रपति की मौजूदगी जब होगी तो उसके बाद, क्योंकि लगभग 15 मिनट ही तो बचे हैं। जी बिल्कुल, 7 बज चुके हैं, ओम बिरला पहुंच चुके हैं, नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनटों के अंदर पहुंचेंगे, उनके बाद उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी उस कार्यक्रम स्थल पर जहां शपथ दिलाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये एक नए कार्यकाल की शुरुआत है 3.0, और 3.0 में चैलेंजेस भी बहुत। एनके सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, इसमें रोहित एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि राष्ट्रपति के टाइम आने के टाइम के 10 मिनट पहले सारे एंट्री पॉइंट्स रोक दिए जाते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो, और राष्ट्रपति अपनी काफिले के साथ, एक पीछे वो रेटन्यू होता है उसके साथ आती हैं, और जैसे ही वो आती हैं सारे मेहमान खड़े हो जाते हैं, और जब वो कुर्सी पर बैठ जाती हैं तो राष्ट्रगान होता है। राष्ट्र कहीं भी राष्ट्रपति पूरे देश में जहां भी जाती है, प्रोटोकॉल यह है कि पहले राष्ट्रगान होगा और जब वो चलने लगेंगी तो भी वो समापन राष्ट्रगान से ही होगा। तो यहां पे भी यही होगा कि उस सबसे पहले राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के बाद उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो नाम पढ़ेगा, और नाम पढ़ के पद और गोपनीयता की दो तरह की शपथ होती है जो भारत के संविधान में शेड्यूल 3 में है, उसमें दो शपथ होती है, एक होता है एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है पद के गोपनीयता की। वो हर मेंबर इसी शपथ का फॉर्मेट फॉलो करता है और तब वो शपथ होता है। बिल्कुल, लेकिन एनके सर ये जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसने कई सौ सालों तक गुलामी देखी थी, और ये जो राष्ट्रपति भवन है सर, इसका वैभव आप तो खुद यहाँ पर कई बार गए हैं, मुझे याद है जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तब आप यहाँ पर मौजूद थे, और ऐसे कई उदाहरण हैं जब आप राष्ट्रपति भवन को आपने बहुत करीब से देखा है। इसका जो वैभव है सर, वही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती की कहानी कहता है, और बहुत सारे इतिहास के पन्ने इन इमारतों में दर्ज हैं, कैद हैं। जी अनुराग, बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया, मैं इस राष्ट्रपति भवन में कई बार गया हूँ। हालांकि कोविंद जी का जो शपथ हुआ था वो सेंट्रल हॉल में हुआ था जी। लेकिन उसके बाद व्यक्तिगत कुछ संबंध थे तो राष्ट्रपति भवन जाने का, जब जब मैं गया हूँ जैसे दरबार हॉल या राष्ट्रपति भवन में जाइए तो उस गरिमा का भारत के अंदाजा होता है जो किसी जमाने में अंग्रेजों ने उसको हमें गुलाम बनाया था, लेकिन
तब भी इसका वैभव जो था वो अद्वितीय था। और आज जब राष्ट्रपति भवन हमारे पास स्वतंत्र भारत में, गणतंत्र भारत में है, उस समय इसका जो गौरव और गरिमा होती है, आप अंदर घुसे तभी से लगता है कि ये देश कितना गौरवशाली रहा होगा, इसका एक अनुभव होता है जो आज भी इस समारोह में दिखाई दे रहा है। सर, आपको लगता है कभी अंग्रेजों ने सोचा होगा कि जिस इमारत को बनाने में उन्होंने 17 से 19 साल लगा दिए, 1912 से 1930 तक बनकर जो इमारत तैयार हुई, अगले 17 से 19 साल में ही उन्हें छोड़कर भागना पड़ेगा उसी इमारत को? नहीं, उनको अंदाजा नहीं था कि इस देश में कोई गांधी आएगा, क्योंकि गांधी आते नहीं है, ये सदियों में एक बार आते हैं। गांधी ऐसा शख्स सदियों में एक बार आता है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और एक बगैर किसी लाठी या डंडा चलाए। तो वो जो कंसेप्ट था अहिंसा का, गांधी का, पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गांधी की जिस तरह तारीफ होती थी, गांधी जी को जिस तरह रिकॉग्निशन मिलता था, वो अद्भुत है। और आप जानते हैं कि गांधी ने न केवल ये आजाद कराया, बल्कि अंग्रेजों को मजबूर होकर पूरे कॉलोनियल जितने भी देश थे उसमें अधिकांश छोड़ने पड़े। तो हमें लगता है कि गांधी, उनको अंदाजा नहीं हुआ कि इस देश में गांधी नाम का कोई व्यक्ति भी पैदा होगा जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। अब इन तस्वीरों में देखिए, अब इंतजार के आखिरी क्षण की बात हो रही है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो ऑफ फेसेस तो नजर आ रहे हैं ऑन चेयर, लेकिन अब प्रधानमंत्री का मतलब रोहित एक ये भी है कि अगर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं यहाँ पर उड़ीसा से, तो ये लगभग तय है कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा, धर्मेंद्र प्रधान नहीं होंगे। नहीं, देखिए, बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है, और जिस हिसाब से अब धर्मेंद्र प्रधान यहाँ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो अगला चेहरा कौन? अभी आप पंडित के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने बहुत डेडिकेशन से काम किया और संगठन को मजबूत किया, बैजन पांडा। तो ये एक सबसे अहम है कि बीजेपी इस मामले में सरप्राइज एलिमेंट सामने रखती है। बहरहाल, अभी जो तस्वीर है उसमें प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, ये तो अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच चर्चा ये भी चल रही है कि सीसीएस में एक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में बदलाव हो सकता है किसी तरीके का। फिर यही बड़ा सवाल होगा कि अगर निर्मला सीतारमन नहीं तो कौन, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर रोहित जो नाम आता है वो पीयूष गोयल का। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जीत के बाद जब नतीजे आ गए, उसके बाद जब अपने कार्यालय से, बीजेपी के कार्यालय से वहां पे भाषण दे रहे, तो उन्होंने मध्य वर्ग को लेकर बार बार जोर दिया था, और पीएम के भाषण में गरीब तबका तो हमेशा रहता था, लेकिन मध्य वर्ग कहीं ना कहीं गौन दिखता था, जिसको लेकर मध्य वर्ग के ऊपर से कमेंट्स भी आते थे। उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या वो इशारा टैक्स स्लैब की ओर था, कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज के ऊपर था, क्या मिडिल क्लास को कुछ ऐसा एडवांटेज मिल सकता है जिसके लिए वो उम्मीद लेकर बैठे थे? तो जिस पोर्टफोलियो चेंज की बात आप कह रहे हैं अनुराग, मुझे लगता है ये संभव हो सकता है। ठीक है, लेकिन अनके सर, आज शपथ ली जाएगी, कुछ ही दिनों के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर अंदर संसद का सेशन होगा, सरकार बजट लाएगी, क्या आपको लगता है कि वाकई इतना रिस्क लिया जाएगा कि कोई नया वित्त मंत्री बजट पेश करे, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं होगा नए वित्त मंत्री के पास? बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल सही, आपकी जो चिंता है वो मेरी भी चिंता है कि बजट का एक प्रोसेस होता है जो आर्थिक पॉलिसी से डिटरमाइन होता है, उसे तय होता है। अगर निर्मला सीतारमन ने, मान लीजिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर उनका ज्यादा रहा है, तो अचानक आप उसको रोक के, आधे में रोक दे और उसके बाद आप मध्यम वर्ग को देने